अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज सुबह सुबह उठे हैं तो हम लेने जाए थे बकरीद का असल में जानवर। तो हमने कहा हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं कि आज हम क्या लेकर आते हैं। हमारे साथ साथ हैं बिलाल भाई, हमारे गुलाम भाई, और ये हमारी गली का माहौल चेक करें। बारिश होने के बाद ये हालात हो जाते हैं हमारे घर के बाहर के, है ना बिलाल भाई? तो अभी हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं फिर के हम आज क्या लेकर आते हैं। फिर गाड़ी निकल जाए हमारी, दरवाजे वगैरह बंद करते हैं हम। तो यहाँ पर आपका भाई जाने लगा है। A few moments later. और यहाँ हम पेट्रोल डलवा रहे थे क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल बहुत ही कम था और हमने जाना था बड़ा दूर। ठीक है, और गुलाम भाई बड़े खुश नज़र आ रहे थे इस टाइम। तो फिर यहाँ पर हमने किया डिसाइड कि अगर चाचू ने कहा कि वैड़ा लेना हुआ तो हम एक ही लेंगे, नहीं तो बकरे लेने हुए तो पहले दो कर लिए थे, अब चार और ले लेंगे सारों के ना हिस्से का एक एक। तो पहले लेकिन यहाँ पे अभी हम डिसाइड करते हुए जा रहे थे, हम पता नहीं था कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में क्या लिखा होगा। तो अब हम इस और ये मंडी वाले रोड पर ही थे तो ये मंडी यहाँ पे आ चुकी थी। तो ये बड़ी मंडी मतलब मुल्तान की बड़ी मंडी हम गए थे। तो A few moments later. यहाँ पर आ चुके हैं हम मंडी। चल कह रहे हैं बकरी तो ले लिए थे दो, अब एक बैड़ा भी ले लेते हैं। इस बछड़े का भी सौदा करने लगे हैं, देखते हैं कि गुलाम भाई हमारा कैसा सौदा कराते हैं। चौका ठीक है, एक ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है लेकिन बस रेट बन गया काफी का, ले रहे हैं आप। देखते हैं कितने में आता है हमारे। तेरे को कोई बहन है आके जी, एक खीर है देखो, मैं आके तू बेकार है वाले। एक ये भी प्यारा लगा लेकिन वो भी इनका, इन्होंने 4.5 का है, उसका 2.5 का है। अब बना रहे हैं उसका सौदा, बल्कि बन ही गया, पैसे के नए हैं अब। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया। वो उसका तो नहीं बना सौदा लेकिन हमारा इसका बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो यार 5,000 के पीछे बहुत ज़्यादा नखरे करने लग गया था बंदा, तो इसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह सौदा कर लिया और अब इसको हम अपने घर लेकर जा रहे हैं। बकाया आप सबने बताना है कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। अब लोड हो रहा है रक्षे में हमारा, लोड हो जा। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बताना तो नहीं चाहिए, ये हदिया होता है, इसी वजह से आपको रेट नहीं बता रहा मैं। बिलाल भाई कैसा है? जबरदस्त है माशाल्लाह, अल्लाह ताला भाई को कबूल करे, आमीन। तो यहाँ पर हम घर आ रहे थे और रक्षे में थे गुलाम भाई वैड़े के साथ, और बाकी हम सब आपको तो पता है गाड़ी में ही थे। A few moments later. तो यहाँ पर आपका भाई घर आ चुका था और अब हम वेट कर रहे हैं, हमारे गुलाम साहब साबता है उनके, और ना वो वैड़ा लेके आ रहे हैं और इंतज़ार आपके भाई का नहीं हो रहा। जल्दी आ जाए यार, मैंने घुमाना है सबसे पहले काम करो। मुझे बड़ा दिल कर रहा है यार, बार बार रोड देख रहा हूँ भाई, अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा। अरे आया था, हमने ले लिया है, आ रहा है, वो रास्ते में है, रक्षे में लोड हुआ हुआ है, गुलाम लेके आ रहा है उसको। हाँ मैडम, तो बच्चे भी बहुत खुश हैं भाई, जारी बात है, खुशी तो होती है, साल में एक बार ईद आती है। अभी आता तो आपको घुमा के दिखाते हैं फिर।
तो फाइनली आ चुका है हमारा बैड़ा। अब इसको उतराते हैं। राम भाई ले आयो फिर। ओ आ रहे हैं बाहर आ रहे हैं। अभी डर रहा है नया नया है हमारे से, थोड़ा सा टाइम गुजरने दो फिर आदि हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर तो मैं बहुत ही खुश था, बहुत ही खुश था, क्योंकि आपको तो पता है साल में एक बार ईद आती है तो बहुत दिल से खुशी होती है जब हम अपना जानवर देखते हैं, उसको घुमाते हैं। वैसे भी हमारा सुल्तान तो हमें बड़ा प्यारा लग रहा था और बहुत शरीफ था वो। यहाँ हम अपने सुल्तान को खाना खिला रहे हैं। मैंने इसका नाम सुल्तान रख दिया, तो मुझे ये बताओ आपको इसका नाम सुल्तान कैसा लगा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है नाम, क्योंकि मैंने दिल से रखा है, क्योंकि ये कुर्बानी का जो जानवर होता है ना, तो इसने सीधे ना जन्नत में जाना होता है, आप सबको तो पता है। तो मुझे ये बताना है कि हमारा सुल्तान आपको कैसा लगा है? इसकी प्राइस तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये होता है हदिया, तो बताया नहीं जाता। वैसे आपको इतना बता देते हैं कि 2 के करीब मिला है हमें, तो अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल अता फरमाए, आप सबकी भी कुर्बानी कबूल अता फरमाए। और आप ये बताएं कि सुल्तान कैसा लगा है हमारा आपको? और एक और काम लाजमी कर दें, जल्दी से जल्दी मेरे 1K कर दें। 1K होने वाले हैं, आपके स्पोर्ट से 1K हो गए ना, उसके बाद फिर आपका भाई का दिल खुश हो जाना है, उसके बाद और भी अच्छे अच्छे लोग आने शुरू हो जाने हैं। फिर मैं 1K की उसमें हूँ भाई, 1K हमारा करवा दें किसी तरह आप। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपका भाई बहुत रूड था, क्योंकि एक ईसाइयों को लेने जा रहा था और हमारे सुल्तान को ज़िबा करने आ रहे थे। यहाँ पर यार हमारे सुल्तान के पाँव में रस्सियाँ डाल रहे थे, तो देखा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी खुशी से लेके आए सुल्तान को और अभी एक दिन भी नहीं गुजरा। पहले तो कहा था भाई एक दिन बाद ज़िबा करेंगे, और फिर पता चला कि उसी दिन ही कसाई घंटे बाद चाचू ने बुला लिए थे। तो दिल मान तो नहीं रहा था, लेकिन अब अल्लाह ताला के पास जाने वाली चीज़ थी, तो फिर खुश, फिर अल्लाह ताला के पास ही जाना था, तो फिर हमने कहा चलो। मैंने वैसे बना रहा था चाचू को भाई एक दिन बाद, उन्होंने कहा नहीं यार आज ही, और फिर अल्लाह पाक के पास सुल्तान हमारा चला गया यहाँ पर। हो चुका है, तो उसके बाद क्या ही बताएं आपको, अल्लाह मियाँ के पास पहुंच चुका है, तो आपको हल्की सी झलक दिखा देते हैं बस। बाकी आप हमारे साथ ही रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहें, आप 1K जल्दी से जल्दी करवा दें। यहाँ पे आज का मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रहा हूँ, तो अल्लाह हाफिज़।